दुर्ग के जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित की 24वीं वार्षिक आम सभा का बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव पहुंचे, जहां उन्होंने वार्षिक प्रतिवेदन सुनकर बैंक की सराहना की। दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति का 24वां वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने दुर्ग शहर के विधायक गजेंद्र यादव, प्रीतपाल बेलचंदन व समाजसेवी कैलाश जैन बरमेचा विशेष रूप से शामिल रहे। सभी पदाधिकारी यहां पर उपस्थित रहे। उनका हार्दिक अभिनंदन, सारी बहनें ताली बजा के, सारे भाई लोग ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। वचन दे रहा हूं, इस मौके पर आम सभा के आयोजन में बैंक प्रबंधन के शिवास द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 की स्वीकृति बाबत पढ़ी गई और सहकारी वर्ष 2023-24 के अंकेशित वित्तीय पत्रक, आय व्यय, लाभ हानि व लेखा पत्रक की स्वीकृति बाबत प्रतिवेदन को आम सभा में रखा गया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित शहर विधायक गजेंद्र यादव ने इस झोपड़ी नुमा बैंक के हो रही प्रगति पर अपनी सराहना दिल से व्यक्त करी। ये अपने हमें बहुत बड़ी बात है, शुरू बनाई सहकारिता की बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन मैं आज धन्यवाद देता हूँ इस मंच के माध्यम से। आपको बताना चाहेंगे कि जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति मर्यादित दुर्ग के अध्यक्ष रऊफ कुरैशी ने बताया है कि इस वर्ष की आम सभा में सभी खाता धारकों के बीच लाभ का 5% लाभांश भी दिए जाने की घोषणा की गई है। ये बैंक हमेशा ही छोटे व्यापारी, पसरा और दुकानदारों की मदद कर अपनी एक अलग ही पहचान बनाते हुए मुकाम हासिल कर चुका है, जिसमें संस्था से जुड़े पदाधिकारी और बैंक के सदस्य और खाता धारकों की अहम भूमिका रही है। इस संबंध में शहर विधायक गजेंद्र यादव और बैंक अध्यक्ष रऊफ कुरैशी ने प्रतिक्रिया दी। सहकारिता के क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी बहुत क्रांतिकारी कदम उठा रहे हैं। बहुत लंबे अंतराल के बाद पहली बार माननीय मोदी जी ने केंद्र स्तर पे भी सहकारिता विभाग का गठन किया। उससे सहकारिता को बहुत मजबूती मिलेगी, काम मिलेगा और आज हम लोग यहाँ अल्पसंख्यक सहकारी उसमें आए हैं। ये जो डेली जो कमाने खाने वाले लोगों को ये प्रतिदिन के ब्याज के हिसाब से जो पैसे देते हैं वो बहुत मददगार इनके लिए साबित हो सकता है, इनके व्यापार धंधे के लिए। संस्था द्वारा कुछ मांगे, सहकारिता विभाग एक भवन देती है सरकार। हम अभी वर्तमान में हमारी विष्णुदेव सहायक सरकार है, अपन चाह रहे हैं कि वो जो भवन देती है उसमें अपन यहाँ पर भवन बना दें। सहकारिता के इस पवित्र आम सभा में सहकारिता के माध्यम से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को, जो साहूकारों के शोषण से ग्रस्त हैं, उन लोगों को आर्थिक सहायता यानी ऋण मुहैया सहूलियत के आधार पर कराई जाती है। और जिला अल्पसंख्यक बचत सहकारी साख समिति में बचत प्रोत्साहन योजना भी लागू है, जिसका लाभ उन्हें प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमारे संस्था के सदस्य जो हैं आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर होते हैं, मगर सहकारिता में जो लाभ प्राप्त होता है उसका लाभांश बराबरी में बांट दिया जाता है। नो प्रॉफिट नो लॉस पे कार्य होते हैं और जो रिजर्व फंड रहता है उसको अन्य कार्यों में भी लिया जाता है। ये झोपड़े में संचालित बैंक है, जो लगातार कई समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में इसका प्रसारण हुआ है। हमने माननीय विधायक महोदय गजेंद्र, आदरणीय गजेंद्र यादव जी के सामने अपनी बात, अपनी समस्या ये रखी है कि पहला तो ये भवन का जो है अलॉटमेंट जो है 10% राशि लेके शासन से करा दीजिए, और दूसरा ये कि भवन निर्माण जो है बहुत आवश्यक है, तो भवन निर्माण के लिए उन्हीं से हमने राशि उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि राज्य शासन स्तर पर वो जो है भवन निर्माण के लिए प्रयास करेंगे ताकि आपका भवन बन जाए। उनके सामने सदस्यों ने भी अपनी भावनाओं को इस प्रकार से व्यक्त किया कि उन्होंने कहा कि आज की तारीख में, आज के समय में ऋण सहूलियत के आधार पर मिल जाना और उसको प्रतिदिन भुगतान करना, इससे ब्याज दर भी कम लगता है और इससे कमजोर वर्ग का जो तबका है वो आर्थिक उन्नति करता है। ये भावना उनके द्वारा व्यक्त की गई।
बहरहाल इस मौके पर बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल रहे। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।